टेक्निकल एंड सोशल मीडिया की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मासू एंड वेलकम यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने फोटो में टर्बन कैसे लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने फोटो में टर्बन एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी पगड़ी कैसे बना सकते हैं, हम अपनी इमेज में पगड़ी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने पगड़ी लगाई है, इस तरह से आप भी अपने फोटो में पगड़ी लगा सकते हैं, यानी कि टर्बन लगा सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने फोटो में एडिट करके बहुत ही सिंपल तरीके से पगड़ी लगा सकते हैं, मेरे पास कई रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें पगड़ी लगानी सिखा दीजिए। तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि पगड़ी किस तरह से अपने फोटो में लगाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए टर्बन फोटो एडिटर। टर्बन फोटो एडिटर लिखने के बाद में फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन आएगा हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का पॉपअप खुल कर आएगा और यहाँ पर रेटिंग भी देख सकते हैं और 1 मिलियन लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं और 4.2 रेटिंग है। उसके बाद में हम इसे ओपन कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे और इस तरह से हमारे सामने पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ पे हम गैलरी में भी जाकर फोटो ले सकते हैं और कैमरे से डायरेक्टली खींच सकते हैं और माई क्रिएशन में जाके हम फोटो देख सकते हैं कौन से एडिट किए हैं। हम गैलरी में से कोई भी फोटो चुन लेते हैं, जैसे कि हम ये फोटो चुन लेते हैं और इसमें हम पगड़ी लगाएंगे, यानी कि टर्बन हम इसमें लगाएंगे। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फ्रेम में जाकर यहाँ पे हम कोई सी भी पगड़ी चुन सकते हैं। जैसे कि हम ये ऊपर स्क्रॉल करके हम ये पगड़ी चुन लेते हैं। जैसे कि हम ब्लैक वाली ये पगड़ी लगा लेते हैं, हेड आ गया। हाँ, इसे हम फिट कर लेते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से और जितना कि चेहरे पर आ जाए वालों को बाल फेड हो जाए, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसको सेव पे हम क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो चुका है हमारी गैलरी में, प्रोसेसिंग जगह सेव हो चुका है। और उसके बाद हम कोई और दूसरा फोटो भी ले सकते हैं। फिर हम इसको सेव करने के बाद में अब हम बाहर आ जाएंगे और उसके बाद फिर गैलरी में जाके कोई भी एक फोटो फिर दोबारा से दूसरे फोटो में भी पगड़ी लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक भाई साहब का हमने फोटो ले लिया है, सेलेक्ट कर लिया है कितना एरिया हमें चाहिए। उसके बाद में फ्रेम पे क्लिक किया हमने और हमें यहाँ पे चुन लेंगे कौन सी पगड़ी हमें लगानी है इस फोटो में। जैसे कि हमें ये पगड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पे फिट कर लेंगे और इसको हम बड़ा अगर करना चाहें हम बड़ा ये तीर के निशान जो आपको एरो दिखाई दे रहा है यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। सेव कर लिया हमने, उसके बाद में हम इसको बड़ा करके भी दिखा देते हैं, इस तरह से बड़ा हो जाएगा। और मान लीजिए हमें ये पगड़ी सही नहीं लगती है तो हमें गुणा के निशान जो है ये एरो इसको जो है क्लिक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से हम कोई भी एक पगड़ी चुनते हैं और उसके बाद में इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, फिट कर देंगे, फिट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, बहुत ही बढ़िया है ये फोटो लग रहा है। तो इस तरह से हम सेव पे क्लिक करके सेव भी हमने कर दिया है। अब सेव काफी अच्छी, आप भी अपने फोटो में पगड़ी लगा सकते हैं, ना ही कोई ज्यादा खास एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करें।